सो हे गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बहुत दिनों के बाद भाई ये फिर से उसका वीडियो आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा हेल्थ इशू, थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि जब से मैं गाँव से आया थोड़ा हेल्थ इशू हो गया है। तो इसलिए जो है वीडियो आप लोग दो लोग देख रहे होंगे काफ़ी लेट आता है, क्योंकि जो भी वैकेंसी मेरे पास आता है, जो भी नोटिस आता है, या मैं खुद इंडस्ट्री एरिया विजिट करके जैसा भी हो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो भी मेरा लाइफ में मतलब जो कुछ भी हो मैं आप लोगों के साथ चाहता हूँ शेयर करूँ, और शेयर करता भी हूँ, और आप लोगों को उससे कुछ भाई को हेल्प भी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इंस्टा पे और फेसबुक पे जैसे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा कमेंट आता है। और खास करके मेरा ये भी मकसद यही था वीडियो बनाने का भाई। अभी वैसे अमेजोन का पेमेंट स्लिप मेरा जो है, ये 12वां पेमेंट स्लिप भी आ गया भाई। 1 ईयर मेरा जो है अमेजोन में बेंगलोर अमेजोन में कंप्लीट हो गया है। और बहुत सारे भाई कहते हैं कि अमेजोन में मतलब एक लेबर का वर्क होता है और आप लेबर का वर्क कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई। आप लोग कहीं भी अगर अच्छा लग गया तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप लोग इजी से रह सकते हैं। अमेजोन में कुछ जो है मेरे मुझे जो है फैसिलिटी अच्छा लग गया, जिसकी वजह से मैं अमेजोन में टिका हुआ हूँ। ऐसा नहीं है भाई अमेजोन में लाइफ नहीं है कि आप मतलब आगे के लिए कोई केयर नहीं है। तो अमेजोन में भी बहुत सारा फैसिलिटी है, आगे के लिए लाइफ भी है। आप लोग जो है अच्छा पोस्ट पे जा भी सकते हैं और अच्छा अर्निंग कर भी सकते हैं, और अच्छा इससे जो है आप लोग सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को पता होगा जो इंस्टा पे या मेरे फॉलोवर होंगे, वैसे फेसबुक पे मैं अभी तक पोस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन इंस्टा पर जो भी फॉलोवर होंगे उनको मैं मतलब एक पोस्ट अपडेट किया था जिसमें कि मैं पीए का इंटरव्यू दिया था। तो आप लोगों को कुछ भाई को पता भी होगा तो पीए का क्या मतलब, कैसे फॉर्म निकलता है, कैसे प्रमोशन होता है या डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है कि नहीं, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई। प्रमोशन क्यों, कैसे होगा, कब आप अमेजोन में ज्वाइन करते हैं तो कब प्रमोशन होगा, आप लोग जाते हैं डायरेक्ट में ज्वाइन करो पीए पोस्ट के लिए, उसके लिए क्या फैसिलिटी है और उसके लिए क्या एलिजिबल है, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अलग से वीडियो रहेगा। अगर आप लोग कॉमेंट करते हैं तो आप लोगों को वो वीडियो बना दूंगा। खास करके मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि इंस्टा पे, फेसबुक पे, उसके बाद यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मैसेज आता है कि भैया अमेजोन में भर्ती चल रहा है कि नहीं, कब चलेगा, आप इन्फॉर्म करिए या कॉन्ट्रैक्टर का नंबर बताइए। तो इस वीडियो में वही आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ कि अमेजोन में अभी वैकेंसी है, कब तक है, कब तक रहेगा, किस टाइम आप आते हैं तो अमेजोन में आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मैं टोटल आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, और बहुत सारे वीडियो में अमेजोन के वैकेंसी के बारे में क्लियर किया हूँ। तो आप लोग जो भी भाई देखे हुए हैं अभी, बहुत सारे भाई जब भी मैं ड्यूटी पर जाता हूँ तो ड्यूटी पर बहुत सारे भाई या बहन भी मिल जाते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल से आपके वीडियो देख के मैं यहाँ तक आया, तो भाई मुझे बहुत खुशी मिलता है। ऐसा नहीं है, कुछ भाई को मैं मतलब एक सिस्टर मुझे मिली और बोल रही थी भैया आपका वीडियो देख, उस दिन मेरा पीए का इंटरव्यू था और मैं मतलब जो है मेरा टाइम हो चुका था, एचआर ने कॉल कर दिया था कि आप इंटरव्यू ले आइए, और तभी मेरे साथ जो है दो बहन आई और बोल रही थी कि भाई आपका वीडियो देख के मैं यहाँ आया। तो मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और मैं जस्ट वहाँ से निकल गया। तो उनको बहुत भाई को, बहुत लड़के को भी लगता है कि मेरे अंदर ईगो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं जो वर्क आप करते हैं वही वर्क मैं भी करता हूँ। अभी अमेजोन में मेरा वर्क जो है वैसे एफ सी डॉग डिपार्टमेंट है, आप लोगों को सभी भाई को पता होगा, लेकिन जो है यहाँ पे है क्या, जैसे जितना दिन भाई यहाँ बेंगलोर में जो जितना दिन आपको ज़्यादा होगा वैसे भाई यहाँ पे BLR 7 या BLR 5 जाते हैं तो ये फैसिलिटी है, वहीं BLR 8 जाते हैं और BLR 4 जाते हैं तो वहाँ का अलग फैसिलिटी है, उनके लिए भी भाई लास्ट में मैं बताऊँगा। तो फिलहाल BLR 7 में डॉक और सभी वर्क जो है एक ही मतलब वेयर हाउस में होता है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा दिन होता है तो आप लोगों को अलग परमिशन दे दिया जाएगा। इसे आज मतलब पिकिंग में थोड़ा कम लोडिंग है तो आप लोगों को जो है हो सकता है डॉक में भेज दे या इनवॉन में भेज दे, तो वैसे ही है। अगर डॉक डिपार्टमेंट में, वैसे मेरा डॉक में है और जब मैं जाता हूँ वहाँ पे तो डॉक में लगभग में जो है भाई एक्स्ट्रा मैन पावर हो जाता है। तो वहाँ पे जो भी रहते हैं पुराने मेंबर रहते हैं जिनका परमिशन जो है IB में है या IQC में है या पुस्टा में है, जहाँ भी परमिशन है पिकिंग में वहाँ पे जो है उनको भेज दिया जाता है। तो फिलहाल मैं अमेजोन का लगभग मैं 1 ईयर में भाई सभी वर्किंग करता हूँ, कभी पिकिंग करता हूँ, कभी पुस्टा करता हूँ, कभी IB में करता हूँ, कभी जो है FC Doc में अपना खुद के डिपार्टमेंट में रहता हूँ। तो लगभग मैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा रहा और मेरे साथ जो है मतलब इतना अच्छा रहा कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूँ। जो भी भाई अभी तक मैं मेरा जो 12 पेमेंट स्लिप भी आ चुका है, तो 12 पेमेंट का वीडियो जो आप लोगों को कल या परसों एक दिन के बाद आप लोगों को 12 पेमेंट का वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा कि 1 ईयर जो है मेरा भाई कंप्लीट हो चुका है। जैसे 1, 2, 3 मतलब 1 पेमेंट से लेके 1st पेमेंट से लेके आप लोग जो 12 पेमेंट तक देख सकते हैं। आगे मैं भाई सोच के रखा हूँ आप लोगों को, मैं आज बता रहा हूँ कि
शायद हो सकता है मैं अमेजोन में ही आगे के लिए जब तक होगा कंपनी की अमेजोन में ही रहूँगा, क्योंकि भाई 2 दिन का छुट्टी मिल जाता है उनके लिए। 2 दिन छुट्टी मिलने के बाद मैं बहुत सारे कंपनी का जॉब सर्च भी कर लेता हूँ और आप लोगों से जो है कुछ बात भी कर लेता हूँ, कुछ कॉन्टैक्ट भी कर लेता हूँ। तो जो भी भाई अभी इस इंस्टा पर मैसेज करते हैं, तो मैं बहुत सारे भाई कुछ भाई BLR मतलब 8 की जगह BLR 5 की जगह रूम भी दिलाया, उसके बाद जॉब भी दिलाया। अभी BLR 7 में भी बहुत सारे भाई आते हैं, मिलते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल अभी अमेजोन में अब जहाँ भी जाते हैं तो सभी जगह, चलिए आते हैं हम टॉपिक पे, बहुत सारे डिस्कस हो गया। तो अभी जहाँ भी अमेजोन में आप जाते हैं तो लगभग में सभी जगह पूरा इंडिया में जो है भाई वैकेंसी चल रहा है। आप लोग जिस टाइम जाते हैं, जब भी जाते हैं, लगभग में जो है अभी 10 दिन के अंदर अब लगभग वैकेंसी चलते रहेगा। वैसे हालांकि जब तक दीपावली आता है तब तक लगभग में पर महीने वैकेंसी चलेगा। तो आप लोग 25-25 अमेजोन का महीना लगता है। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी हो, जिस दिन सैलरी आता है, मतलब सैलरी से एक दिन पहले या सैलरी का जब टाइम होता है, तो बहुत भाई रीजन देते हैं। तो भाई 30 को सैलरी अमेजोन का आता है और 25 से 25 महीना लगता है। तो आप लोगों को आप लोग समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 के बीच अमेजोन में लगभग में वैकेंसी रहता है और वैकेंसी आता है। तो मैं यही कहूँगा 20 से लेके आप लोग जो है मतलब 20 से और 30 तक आप लोग तैयार रहिए, किसी भी मंथ में आप लोगों को लगभग में वैकेंसी रहेगा। वैसे अमेजोन में जो है कभी कभी 2-2 मंथ 3-3 मंथ वैकेंसी नहीं भी रहता है, ऐसा भी मैं देखा हूँ। जब भाई मार्च अप्रैल वो सब टाइम में नहीं रहता, लेकिन अभी जो फिलहाल में सभी महीने वैकेंसी रहेगा। अभी पर डे ज्वाइनिंग आ रहा है, पर डे न्यू मैन पावर आ रहा है। तो आप लोग अगर जो भी भाई अमेजोन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तभी आइए, इंटरव्यू दीजिए और 1 से 2 दिन में आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करते रहिए और 1 से 2 दिन में आप लोगों को कंपनी बुला लिया जाएगा। तो बहुत भाई आप कमेंट करेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी देखते नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सैलरी का अपना खुद का पेमेंट पे आप चर्चा कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो पेमेंट इस मंथ का बना है भाई वो जो है ज़्यादा खास नहीं बना है, क्योंकि मैं 10 दिन छुट्टी लेके गाँव चला गया था। तो उसमें जो है जो मेरा बोनस था, बोनस कट पीट के लगा, फिर भी मतलब अच्छा खासा सैलरी आया, 70,000 लगभग सैलरी आया, 17,000 सैलरी मुझे रिसीव हुआ, लगभग 19,000 प्लस सैलरी मेरा बना और 17,000 कट पीट का आया। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बस आप लोगों के पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, एलिजिबल बस 10th मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद जो भी आइएगा, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक पासबुक भी चाहिए, ये सब आप लोगों को लाना है। और ऑफिस हो अमेजोन का, आप लोग गेट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर सब भाई मिल जाएंगे, या अमेजोन का बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई, टोटल जो है मतलब 17 कॉन्ट्रैक्टर है। तो 17 कॉन्ट्रैक्टर के मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, भाई अमेजोन का सभी कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, क्योंकि कंपनी अच्छा है इसलिए सभी कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। आप लोगों के साथ कोई पेमेंट का भी फ्रॉड नहीं होगा, और जिस भाई का पेमेंट का फ्रॉड होता है या हुआ है वो मुझे मैसेज जरूर करिएगा, मैं उनका जो पेमेंट, भाई पेमेंट किसी का शायद ही किसी का फ्रॉड हुआ होगा, किसी का पेमेंट नहीं मिला होगा। अमेजोन में यही फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो पेमेंट पहले दे देता है, 30 तक मिल जाता है, और जो है कोई मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन करके भी जाइएगा तो उनका पेमेंट मिलेगा। बस थोड़ा सा वर्क हार्ड है भाई, आप लोग आते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं तो वर्क आप लोगों को हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे जो है आप लोग जो माहौल में ढल जाइएगा तो आप लोगों को वर्क ईजी लगने लगेगा, और माहौल में ढलने के बाद भाई नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग जो भी जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिलहाल वैकेंसी चल रहा है। जैसे अतिबली में आते हैं तो अतिबली में लगभग में 5 से 6 कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस मिल जाएगा, BLR 7 के लिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ 5 से 6 कॉन्ट्रैक्टर का मिल जाएगा। जैसे PSN कॉन्ट्रैक्टर सबसे फर्स्ट मिलेगा, उसके बाद PSN सर्च मारिएगा आ जाएगा, उसके बाद जो है SNIB का मिल जाएगा, उसके बाद भाई ये जो है क्विसेस का मिल जाएगा, लगभग में अमेजोन के इर्द गिर्द ही सभी का कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल क्विसेस से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं, मतलब बहुत भाई कमेंट करते हैं अच्छा कौन सा है, तो अच्छा भाई मुझे जो है लगभग मैं सबसे पहले फिर दे देता है पेमेंट ये PSN, तो PSN भी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कौन सा अच्छा, मतलब सभी कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को उस तरह से बता दिए, सभी कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर आता है, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट आता है PSNB का, और लगभग में लेट आता है Vivings का। तो आप लोग पेमेंट सबका आएगा भाई, ऐसा नहीं है, आप लोग जिससे भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग कम्युनिटी में जाइएगा तो आप लोगों को लगभग सभी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग जाके नंबर लीजिए और कॉल करिए। वैसे डायरेक्ट भी आप लोग आ सकते हैं, कंपनी के गेट पे हो या अतिबली ऑफिस हो, ऑफिस में विजिट करते हैं, एक दिन इंटरव्यू होगा, उसके बाद सेकेंड रोज या 2 रोज 1-3 रोज के बाद आप लोगों को ऑफिस बुलाया जाएगा, मतलब कंपनी के अंदर बुलाया जाएगा। वहाँ पे नॉर्मल जो इंटरव्यू आप लोगों को ऑफिस में होगा वहीं आप लोगों पास भाई इंग्लिश पढ़ने के लिए आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आता तो आप लोगों का ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। सैलरी का मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ, सैलरी कुछ भाई अभी इंक्रीज हुआ है, तो 15,000 आप लोगों को बेसिक सैलरी मिल जाएगा, 80 रुपया HR अलाउंस मिल जाएगा, 115 रुपया पर डे नाइट शिफ्ट के अलाउंस मिल जाएगा, और 3,050 जो है अटेंडेंस अवार्ड मिल जाएगा। मिला जुला के सैलरी अगर आप लोग बस से भाई अगर सफ़र करते हैं तो
तो लगभग मैं 17,000 तक 17,000 प्लस रिसीव होगा, 17 से 18,000 प्लस रिसीव होगा। और अगर आप लोग मैसन राम रहते, अगर अमेजोन भाई ये BLR7 ज्वाइन करते हैं, मैसन राम रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं, पैदल आते हैं, तो आप लोगों को 1500 बस का मिला के लगभग में 20,000 प्लस आप लोगों को पर मंथ सैलरी रिसीव होगा। वैसे OT नहीं मिलेगा, तो OT मिलेगा तो भाई इस मंथ जो अभी मंथ चल रहा है, इस मंथ में मेरा 54 OT हो चुका है और मैं ये पेमेंट की स्लिप दिखाऊंगा 1 ईयर रहने के बाद कितना पेमेंट मिला। तो इस मंथ मेरा उम्मीद है कि 30,000 तक पेमेंट आएगा, तो वो भी वीडियो आप लोग आगे जरूर देखिएगा। तो चलिए, मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, वीडियो को लास्ट करता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं मिलता रहूँगा इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।